गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल शायद मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो आज मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, मतलब अभी मॉर्निंग का टाइम है, एकदम मैं आपको दिखाती हूँ कितना अभी सुबह सुबह के 6:30 हो रहे हैं। ओके, अब देखो मोस्टली लोगों के यहाँ भी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, जल रही हैं, लोग अभी सो ही रहे होंगे। ओके, और यहाँ पे कबूतर बहुत हैं, आपको बहुत ढेर सारे कबूतर यहाँ पे दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके, तो चलो मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए, सबको चाय देना। सर मैं तो चाय नहीं पीती, बट फिर भी साथ सबको चाय देने जाती हूँ। चलो जाते हैं, आपको भी लेकर। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आकर मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। ओके, मैं इस मॉर्निंग में चाय प्रेफर मैं खुद के लिए नहीं करती हूँ, बाकी सबके लिए देती हूँ। तो मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ अब। चाय तो फ्रेंड्स से चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद सबके लिए नहा लूँगी और थोड़ा बस काम ही हुआ टाउन की तरफ। आज का जो वीडियो जाएगा वो एक मैसेज जाएगा। ओके, दिवाली विशिंग के लिए आप सबको मैसेज डालने वाली हूँ मैं आज। तो ओके, तो ये वीडियो ब्लॉग कल जाने वाला है। चाय बन गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। कहीं भी मैं देने जाती हूँ, उसके बाद काम है, मैं फ्रेश होकर नहा लूँ, तो मिलते बाद में। तो फ्रेंड्स देखो, मैं नहा चुकी हूँ, अभी सुबह सुबह हो चुकी है। सुबह की मैंने आपको व्लॉग दिखाया और अभी मैं नहा चुकी हूँ। देखो थोड़े से मेरे गीले थे, अब तो हल्के हल्के सूख गए हैं। ओके, और अब मुझे एक वीडियो शूट करना है आपके लिए, जो आज के लिए है, जो आज अभी जाने वाला है। तो ये ब्लॉग शूटिंग हो रही है, तो ये कल जाएगी। अभी थोड़े से बाल को बना लूँगी। ओके, और उसके पास एक वीडियो को शूट कर लूँगी। ओके, जो अभी कुछ देर में आपके पास चला जाएगा, पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। ये देखो मैंने क्या पहना है, आज मैंने साड़ी डाली हुई है। हाँ, तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी सबको नाश्ता करा चुकी हूँ। तो अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। पूजा कर लेंगे अपना, फिर हम भी कुछ खा लेंगे। ओके, तो बाहर धूप हुई है, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स ये मेरा मंदिर है, तो मैं जा रही थी अब पूजा करूँगी थोड़ा सा। ओके, चल तो बाहर चल के आपको दिखा देते हैं। इस वक्त 9 बज रहे थे सुबह सुबह के फ्रेंड्स। ओके, थोड़ी बहुत धूप थी, जैसे ठंडी हल्की हल्की ठंडी शुरू हो चुकी है और ठंडे मौसम हो चुका है। ओके, अब इसके बाद से सारे काम को निपटाने के बाद यहाँ पे मैं गिफ्ट देने जा रही हूँ। ओके, हमारे यहाँ कुछ जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को गिफ्ट देने का यहाँ पे बहुत दिल्ली में बहुत ही सब कुछ दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ऐसे। तो मैं गिफ्ट देने जा रही थी सबको। ओके, तो ये रास्ते का व्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिवाली मनाई जाती है। हाँ, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और साथ में एक दूसरे को गिफ्ट साथ में थे। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही थी, तो साइड में मेरी बेटी है। ओके, अब क्योंकि बाकी सब में सब कहीं ना कहीं गए थे, सबको कहीं ना कहीं जाना था, तो मैं अपनी बेटी के साथ जा रही थी। और ये रास्ते का ही है, आप देख सकते हो, और ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, थोड़ी सी दूरी पर था, तो मैं जल्दी से पहुँच गई। और मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो अपने घर में मुझे हमें खाना भी खाना वाना खाने के बाद रात के खाने डिनर की भी तैयारी करनी रहेगी, और मुझे रंगोली भी बनानी है। और छोटी वाली बेटी को मैं घर छोड़ के आई थी माँ के पास, तो देखो यहाँ मैंने घर पहुँच के और मैंने रंगोली बना ली है। मैंने अपना खाना भी तैयार कर लिया था, डिनर रेडी करने के बाद मैंने ये रंगोली बनाई। अब बताना कि आपको रंगोली कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और फिर हमने घर भी डेकोरेट किया, और ये एक रंगोली हम ले आते जब हैं लगाने के लिए, वो लगाते हैं। और देखो कुछ ऐसा हमने घर डेकोर करके रखा था, मेरी बेटी है, उन्होंने रेडी कर दिया है, वो सामने खेलने गई है। तो कुछ ऐसा हमने घर डेकोर किया था फ्लावर्स के साथ में। अब देखो कि आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मैंने रंगोली बनाई थी यहाँ पे देखो चिपकाई हुई है, और यहाँ मैंने बनाई हुई है, और डोर को कुछ ऐसे डेकोरेट किया था। और मैंने किए डेकोरेट मैंने नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ने डेकोरेट किया है। ओके, मैं क्रेडिट नहीं लूँगी। तो ये रंगोली मैंने बनाई है, बताना कि आपको रंगोली कैसी लगी। देखो फ्रेंड्स, मैं एकदम रेडी हो गई हूँ शाम की पूजा के लिए। आप देख सकते हो ये है मेरा ड्रेस, मैंने शरारा पहना है, दिखाती हूँ। ओके, शरारा पहना है मैंने, और ये मेट्रो कुर्ता लिया है, और ये नीचे मेरा शरारा ऐसा कुछ है। मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी, ओके, मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी। और देखो मैं थोड़ा सा हल्का कनेक्ट करूँगी, वो मैं कल जल चुका दिखाती हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो मेरा एलोवेरा जेल। ओके, तो मैं इसे लगा लूँगी अपने फेस पे। एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, मैं अपना मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, जो मैंने लिया था, अरे जॉय का है ये। ओके, इसका रिव्यू मैंने किया है, आप ज़रूर देखना, जॉय का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो ये मैं थोड़ा सा हल्का सा अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे।
ये है मेरा ओरिफ्लेम का सीसी क्रीम, इसे मैं अपने पाम में थोड़ा सा ले लूँगी, और थोड़ा सा लेने के बाद इसे एक ब्लेंडर की हेल्प से, ऐसा ब्लेंडर आप ले लेना, और ब्लेंडर को हल्का सा आप जब डिप कर लोगे पानी में अच्छे से गीला करने के बाद, उसको अच्छे से स्क्वीच करने के बाद ही आप ब्लेंडर को यूज़ करना, और अच्छे से ब्लेंडर से मिक्स कर लूँगी। देखो जैसे कि मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको, और ब्लेंडर से मिक्स करने के बाद, बहुत ही अच्छे से करने के बाद, अब मैं यूज़ करूँगी अपना कंसीलर। ये मैंने जो कंसीलर वो पेनस्टिक कंसीलर लक्मे का है, ये लक्मे का पेनस्टिक कंसीलर है ये, तो और मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने आईज एरिया के पास, क्योंकि थोड़े से डार्क सर्कल है मेरे, तो मैं अच्छे से उससे कवर करूँगी डार्क सर्कल को अपने। और बाहर मुझे एक्चुअली हमारे यहाँ सब रेडी हो गए थे, मैं सबसे लेट में थी क्योंकि लेट हो गया था, और क्योंकि बच्चों को तैयार करने के बाद मैं रेडी हो रही थी, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर रही थी, जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, बट सही मैंने फॉरवर्डिंग भी लगा कर रखा, लेकिन जल्दी रेडी हो रही थी। अब मैं अपना पाउडर यूज़ करूँगी जो है ये, अब देखो ये है लक्मे का रोज़ पाउडर, लूज़ पाउडर है ये, बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छा ये होता है फ्रेंड्स, आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये, और रिजल्ट बहुत अच्छा देता है ये। क्या है काजल लगाना, तो ये मैं लगाऊंगी लक्मे आइकॉनिक का काजल है मेरा ये, और मैंने काजल लगा लिया था, बट जब मैं काजल को काजल अप्लाई करने के बाद मुझे लाइनर लगाना था, आईलाइनर, बट मैंने वो अप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लाइनर लगाने में 10 मिनट्स लग जाते हैं, और मुझे लेट हो रहा था क्योंकि मुझे पूजा में पूजा करनी थी, तो इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया, और मैंने डायरेक्ट अपना लगाया, मैंने अपना मेबेलिन का ये लाइट शेड का रोज़ है, तो मैंने अपने डायरेक्ट रोज़ को अप्लाई कर लिया अपने चिक्स पे, बहुत लाइट है ये, तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है शेड इसका, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये, लाइट कवरेज देता है, बहुत ही अच्छा है, और एक हल्की सी शाइन देता है, तो ये मुझे पसंद है। मैंने राउंड ब्रश का यूज़ किया है, और उसके बाद मैं लगाऊंगी, देखो मैंने एक फ्लैट पतला सारा फ्लैट ब्रश लिया है, मैं इसे ही अपने ऊपर के एरिया में, हाँ मस्कारा की जगह मैं इसे यूज़, मैं इसे आई शेडो की जगह मैं इसे यूज़ कर लूँगी, तो हल्का सा मैं इसे लुक दे दूँगी। और अब देखो मैं अपना लिप बाम लगा रही हूँ, ये लिप बाम जो है वो ओरिफ्लेम का है, लिप बाम मुझे बहुत पसंद है, अब इसे यूज़ करना, तो ये मैं अप्लाई कर लूँगी, और मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी, जो मेरा लिपस्टिक है वो ये है, देखो ये है मेबेलिन का, मेबेलिन की लिपस्टिक है ये, रेड कलर है ये, बहुत अच्छी है शेड इसका, बहुत अच्छा आता है, तो ये मैं अप्लाई कर लूँगी, और इसको अप्लाई करने के बाद मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ बची कि मुझे अप्लाई करना, वो है मेरा हेयर को कॉम करना, और हेयर को कॉम कर लूँगी मैं अच्छे से, हाँ, और बहुत लेट हो रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने सिंपल सिंपल हेयर ही अपने हेयर को, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, सिंपली अपने हेयर को क्लिप से क्लिप कर लिया, और क्लिप करने के बाद देखो अच्छे से एक छोटा सा एक हल्का सा हेयर स्टाइल बना लिया, क्लिप करने के बाद मुझे सिर्फ मेरा फुल लुक तैयार हो चुका है, मुझे सिर्फ बिंदी लगानी थी, तो बिंदी अप्लाई कर ली मैंने, बिंदी के बिना सब कुछ अधूरा लगता है ना, तो बिंदी अप्लाई करने के बाद मेरा लुक एकदम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं आपको पूरा लुक अपना ज़रूर दिखाऊंगी, पहले आप ये देखो, आप बताना कि आपको कैसा लगा ये, और ये मैं लास्ट में लगा रही हूँ सिंदूर, जो बहुत ज़रूरी है, तो हेयर कॉम किया था मैंने, तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है, आप बताना मुझे कि आपको कैसा लगा ये लुक मेरा। मैंने सिर्फ आईलाइनर इसमें मिस किया, हाँ, और ये देखो ये था मेरा फुल लुक, तैयार होने के बाद, और मैं बाहर बैठी थी, फोटो सेशन कराए थे, ये मेरी पूजा के बाद की आरती के टाइम की पिक्स है, फुल है ये मेरा शरारा था, आपको कैसा लगा फिर बताना, और ये मैं हमने पूजा कर ली थी, तो पूजा के बाद का है ये, मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये हमारे यहाँ बाहर लाइटिंग वाइटिंग लगी थी, तो उसका व्यू है, आप बताना, और यहाँ से देखो, ये हमने मैंने रंगोली पे प्यार से दिया रख लिया था, और साथ ही साथ में जैसे हमने कैंडल्स लगा दी थी हमने, और हमारे नेबर ने मिलकर हमने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की। आप बताना कि आपको कैसी लगी हमारी दिवाली, ज़रूर बताना फ्रेंड्स, तो ये हमारे ऊपर का है, हाँ, तो हम वहाँ गए, और उसके बाद से ऊपर देखो ये हमारे छत का है, और हम इस छत को अच्छे से डेकोरेट किया, तो यहीं पे हमने थोड़े बहुत फटाके वटाके चलाए, क्योंकि दिल्ली में पटाखे नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिल्ली में पटाखे बैन है, यहाँ सिर्फ आपको ग्रीन लाइट सी मिलेंगी, ग्रीन पटाखे मिलेंगे, और उसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको अनार मिलेगा और फुलझड़ी मिलेगी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है दिल्ली में, मेन दिल्ली में, अगर आपको बाय करना तो आप बाहर से गुड़गांव से या फिर नोएडा साइड से आप जाके वहाँ से कुछ लोग ले आते हैं, बट हमने सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए, क्योंकि ज़रूरी है एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी फुलझड़ी जला रही हूँ, और मैं जाऊँगी अब अनार चलाऊँगी, एक अनार मैंने चलाया था, दो अनार मैंने चलाया था, तो वो मैं चला रही हूँ, और आप देखना मैं कितनी ज़ोर से अनार चलाने के बाद भागती हूँ, आप अभी यहाँ वॉश करना। ये देखो मैं कैसे भागी ना, और कितना अच्छा लगता, मुझे अनार बहुत पसंद है, हाँ,
ये था हमने चलाया, तो हमने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। फ्रेंड्स आपने अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट की प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। आई होप कि आप दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा मेरा व्लॉग, और वीडियो को लाइक कर देना। आपने क्या क्या किया मुझे ज़रूर बताना, आपने रंगोली कैसे बनाई बताना मुझे। चलो मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, आप इन पिक्स को एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।